ये जीत पूरी कांग्रेस पार्टी की जीत है, राहुल जी की जीत है, दीपेंद्र जी की जीत है, नीरज कुंदन जी की जीत है, कन्हैया कुमार जी की जीत है। और मैं आपसे वादा करता हूँ, जो भी हमने बच्चों को वादे किए, छात्रों को वादे किए, उन पर मैं खड़ा उतरूंगा। और जिस जिस बच्चे को जो भी कभी भी कोई समस्या होगी, मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। पैनल में जो देखा गया, तीन पोजीशंस एबीपी की आई, पर एक जो मेन पोजीशन थी उस पर कांग्रेस की एनएसयूआई ने जीत हासिल की है, तो अभी कैसा लग रहा है इस समय? बहुत बहुत खुशी हो रही है मुझे, इतना प्यार देखकर, जो छात्रों ने मुझ पर इतना विश्वास किया, मुझे इस काबिल समझा, उस चीज की मुझे बहुत बहुत खुशी है। ये जीत पूरी कांग्रेस पार्टी की जीत है, राहुल जी की जीत है, दीपेंद्र जी की जीत है, नीरज कुंदन जी की जीत है, कन्हैया कुमार जी की जीत है। और मैं आपसे वादा करता हूँ, जो भी हमने बच्चों को वादे किए, छात्रों को वादे किए, उन पर मैं खड़ा उतरूंगा। और जिस जिस बच्चे को जो भी कभी भी कोई समस्या होगी, मैं उनके लिए हमेशा खड़ा रहूंगा। तो अभी ऐसे कौन कौन से काम हैं जो आप मेन पैनल के हिस्से में आए हैं, तो जो आप बच्चों के करवाएंगे मेन काम? सबसे पहला काम, जो सबसे पहला वादा हमने किया था, मेंस्ट्रुअल अटेंडेंस का था। केरला में हमने मेंस्ट्रुअल अटेंडेंस लगाई, पंजाब में भी एनएसयूआई जीती, हमने मेंस्ट्रुअल अटेंडेंस लगाई, तो दिल्ली विश्वविद्यालय में हम मेंस्ट्रुअल अटेंडेंस को कंपलसरी करेंगे। और प्राइवेट पीजी हॉस्टल के जो 12% जीएसटी सरकार द्वारा लगाया गया है, इसको हटाने के लिए हम सबसे पहली लड़ाई लड़ेंगे। तो इस जीत का श्रेय किसे जाता है? इस जीत का श्रेय जो जो मेरे साथ लगे, जिन जिन आदमियों ने विश्वास किया, छात्रों ने विश्वास किया, मुझे इस काबिल समझा, मुझे वोट दी, दीपेंद्र जी ने, राहुल जी ने, कन्हैया कुमार जी, नीरज कुंदन जी ने, जिन्होंने मुझे टिकट दिलाई, और जो मेरे साथ खड़े हुए हमेशा।